हेलो दुरंद्रो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। आज 16 जनवरी है और डेली करंट का तहलका में आपका स्वागत है। और हर रोज की तरह हम अपनी इस डेली करंट के तहलका को शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। आप सभी को पता होगा कि 10 से 12 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं, जो कि आपके इन प्रेजेंट वर्तमान में जो पेपर चल रहे हैं एसएससी जीडी सीटेट को लेकर के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं पहले बता चुका हूँ, मेरी 138 आज 139वीं है टोटल। लास्ट जो 138 क्लास पड़ी है ऑन यूट्यूब पर है। पीडीएफ आप चाहे तो अमित सर जी के टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका सीधा वहां से प्राप्त कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को डेली करंट के तहत का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होती है हर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सबसे पहले मैं भाई को रोज की तरह हर रोज की तरह बताता हूँ, कोई भी बैंक, किसी भी बैंक से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहा है मेरे भाई या बहन, या फिर कोई भी किसी भी डिफेंस से रिलेटेड एसएससी जीडी और सीटेट के प्रॉपर तरीके से मैं बताता आया हूँ, इन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है मेरी। ठीक है, 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे इंपोर्टेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जनवरी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेज होते हैं उनको दोहराते हैं हर रोज की सुबह की तरह। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस होता है, 8 जनवरी को अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस, ये पूछा गया क्वेश्चन है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है, और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि, 12 जनवरी को आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय युवा दिवस, इसको 12 जनवरी के रूप में मैं बता चुका हूँ, किसके रूप में, किसकी याद में, किसकी जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है, इन कमेंट मुझे एक बार बता देना। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस होता है, इसके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि एक अच्छे सा लिख कर लाया हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, कि भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये उसकी याद जो सैनिक हैं जिन्होंने बलिदान दिया है अपने भारत के लिए, अपनी धरती माता के लिए, हमारे भारत माता के लिए। ठीक है, उनकी याद में ये हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और आपको पता होगी 15 जनवरी 1949, मैंने लिखा भी हुआ है, 1949 को जो कि पहले भारत के लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा जी, जिन्होंने भारतीय सेना के पहले कमांडर चीफ में जो कि फ्रांसीसी बूचर ऑलरेडी थे उनकी जगह प्राप्त, या फिर उनका पदभार संभाला था। ठीक है, फ्रांसीसी बूचर की बात करूं तो ये भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। ये सभी चीजें याद करने वाली हैं, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आज का फर्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा राज्य 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव नेशनल यूथ फेस्टिवल का मेजबानी कर रहा है, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटक? देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, यहाँ लास्ट इधर मैंने दे रखा है कि नेक्स्ट 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 फरवरी 12 टू 6 जनवरी 2020 हुबली धारवाड़, अभी है कहाँ पर ये? ये मैंने थोड़ा सा पीछे आपके सामने इसके रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने इसका कंटेंट डाला हुआ, इसके पॉइंट डाले हुए, जिससे क्वेश्चन और भी मजबूत हो सकता है। मैंने जैसे कि आपको पहले हर भी बताया है कि मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ पॉइंट लेकर आता हूँ, जिससे क्वेश्चन को भूला ना जाए, उसके आंसर को प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग दिमाग में, माइंड में सेट बन जाए। ठीक है, हाँ भाई, इस क्वेश्चन का मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी है और इससे रिलेटेड कोई इधर उधर से क्वेश्चन पूछ भी लिया, तो मैं उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीजें, पॉइंट, ये चीजें जो मैंने दे रखी है इंपोर्टेंट हो जाती है। ठीक भाई, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैं उसको ऑप्शन का इसका मैं आंसर बता देता हूँ, कर्नाटक यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी कर्नाटक के हुबली धारवाड़ से जुड़वा शहर जिसको बोला जाता है उसमें आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ जो खेल मंत्री आप सभी को पता होगी ठाकुर साहब अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, उन्होंने इस वर्ष युवा महोत्सव की जो थीम है विकसित युवा विकसित भारत के रूप में दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद जो कि अभी बता रहा था 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, उनकी याद में, उनकी जयंती के रूप में। ठीक है, उसी दिन राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन किया था पीएम मोदी जी ने। ये सभी चीज आपको याद करनी चाहिए और आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य के हड़प्पा कब्रिस्तानों से, देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास हिस्ट्री के लिए, ठीक है, 5000 साल पहले के मृत्यु संस्कारों का पता चला है, तो ये राजस्थान में है हड़प्पा, गुजरात में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई गुजरात। गुजरात के अंतर्गत 5000 साल जिसको हड़प्पा युग कहा जाता है उस समय कब्रिस्तानों में से एक में खुदाई से पता चला है कि मृत मनुष्यों के बाद की जीवन वस्तुओं को साथ दफनाया जाता था। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है
हिस्ट्री को लेकर के, इतिहास को लेकर के, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। बाद की जो वस्तुएं हैं, व्यक्तिगत कलाकृतियां हैं, पवित्र जानवर हैं, ठीक है, भोजन पानी बर्तन शामिल है इसमें। कच्छ जो जिला है वहां का, गुजरात के अंतर्गत जो कच्छ का रण बोला जाता है, जिसको जूना खटिया गांव में 2019 में जो खुदाई शुरू की थी, वो उन्हीं पुरातत्व, जो पुरातत्वविद हैं, जो एस्ट्रोलॉजी, उनके लिए कंकाल के अवशेष, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लेट और फूलदान, मोतियों के आभूषण, जानवरों की हड्डियों के लिए कब्रों की कतारें मिली हैं। यह कब्र जो है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व की अवधि में की हो सकती है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, हड़प्पा युग की है, गुजरात के अंतर्गत ये है स्थान, ठीक है। इंपोर्टेंट है क्या क्या चीजें मिली हैं, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है और भी ज्यादा। सुल्तान अहमद अल जाबेर ने किसके अध्यक्ष, जो ये हैं, जो ये व्यक्ति हैं, किसके अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले हैं इन दिनों, COP28, COP28, COP24? तो आप सभी को पता होगी, दुबई के अंतर्गत जो 2023 में COP28 की जो अध्यक्षता कर रहा है, वो दुबई कर रहा है, और उसके अध्यक्ष जो रहेंगे, ठीक है, वो सुल्तान अहमद अल जाबेर जी रहेंगे, ठीक है। यूएई जो उद्योग में उन्नति प्रौद्योगिक मंत्री डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर पहली कोप अध्यक्ष के रूप में काम करने जा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक एक्सपो सिटी दुबई में COP28 की मेजबानी करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूरे साल में जितने भी डोमेस्टिक आपके डोमेस्टिक हो या इन सेंट्रल लेवल के जो क्वेश्चन होंगे, मतलब पेपर होंगे, उनमें पूछा जा सकता है इसका, ठीक है। तो उन्होंने यूएई स्वच्छ ऊर्जा पद को आकार देने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये भी क्वेश्चन आपके सामने रख सकता है, ठीक है। यूएनएफसीसी के कार्यकारी जो सचिव है साइमन स्टील, और मिस्र के जो इजिप्ट जिसको बोला जाता है COP27 जो हुई थी, अध्यक्ष समारोह में सोकरी के साथ साझेदारी COP28 एजेंडा विकसित करेंगे, ये सभी आपस में मिलकर के, ठीक है। आप सभी को बस ये पता होना चाहिए, COP28 को यूएई जो कि अरब संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर से 12 दिसंबर में होने जा रही है, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर जी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, दो तीन बातें इससे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसने नई दिल्ली में रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये राजनाथ जी ने, अमित शाह ने, आदित्यनाथ योगी जी ने, या फिर सोनिया गांधी ने? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, अमित शाह जी ने इस बुक का विमोचन किया है, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह जो कि आज के वर्तमान मंत्री हैं, नई दिल्ली में एक समारोह में जो रेवोल्यूशनरी सीरीज है द अदर स्टोरी ऑफ इंडिया वॉन्ट इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया। आपसे पूछ सकता है, पुस्तक के लेखक अर्थशास्त्री संजीव सान्याल जी हैं, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और विमोचन किया गया अमित शाह जो कि गृह मंत्री जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने NESL, अब NESL में एक बार पीछे चलते हैं, नेशनल ई गवर्नमेंस सर्विस लिमिटेड जिसको बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान कर लेना, इसके साथ मिलकर के एक बैंक गारंटी EBG सुविधा शुरू की है। किस बैंक ने शुरू की है? SBI, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक या नन इनमें से? तो ये बैंक, ये सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने NESL के साथ मिलकर के ई बैंक गारंटी की सुविधा शुरू की है, ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। तो ये पारदर्शिता जो है सुधार और टर्न अराउंड समय के दिनों से घटकर मिनटों में करने के लिए पहल शुरू की है, मतलब ज्यादा दिन नहीं लगेगा, मिनटों में काम हो, जहां दिन लगते थे कई, वहां मिनटों में काम हो जाएगा, उसी चीज को लेकर के ये शुरुआत की गई है। NESL जो डिजिटल दस्तावेज निष्पादन है प्लेटफॉर्म ई बैंक गारंटी प्रक्रिया को सुगम बनाएगा और अच्छा लाभ पर लाभार्थी होगा। लाभार्थी बिना किसी और सत्यापन के तुरंत जल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड प्लेटफॉर्म EBG प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों इसी चीज लिए, इसी के लिए ये ई जो बैंक सर्विस शुरू की गई है, इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों को मिलकर SBI और NESL ने, ठीक है। NESL की बात करूं, ये भारत की पहली सूचना उपयोगिता है, इसे इंसॉल्वेंस एंड बैंक करप्सी कोड 2016 के तहत इंसॉल्वेंस एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, द्वारा पंजीकृत है। ये एक संघ सरकार की कंपनी के रूप में निगमित किया जाता है। इसकी प्राथमिकता भूमिका किसी भी दावे से संबंधित जानकारी रखने के लिए कानूनी साक्ष्य भंडार के रूप में कार्य करना होता है, ठीक है। किसका? NESL का, ठीक है, नेशनल ई गवर्नमेंट सर्विस लिमिटेड, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य ने
पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला मतलब कौन सा राज्य है जो चौथा चौथा राज्य बन गया है पुरानी पेंशन जो योजना बहाल करने वाला, ठीक है, कौन सा राज्य है? राजस्थान है, महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है। तो ये जो है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला। ठीक है मेरे भाई, नई पेंशन योजना आप सभी को पता होगी, इसके तहत कर्मचारी और पेंशनर सहित 1.36 लाख से अधिक कर्मचारी होते हैं इसमें। और सीएम ने कहा है, मतलब जो चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, सुक्का साहब कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के, जो कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है आप सभी को पता होगी, अभी बनी है सरकार, राज्य की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने का वादा कर रहे हैं। नई पेंशन नीति जिसको NPS कहा जाता है, इसके तहत 1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा शामिल होने वाले कर्मचारी को कवर किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो जो भी चीजें इंपोर्टेंट है, मेरा का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैं दे दूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? देखो तमिलनाडु है, झारखंड है, केरल है, उत्तराखंड है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई सी, केरल वो राज्य है जिसने गोल दगा दग दागे हैं लगातार कंटिन्यू, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने नाम दर्ज किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करूं, जो ये बुक है इसको हिंदी में गिनीज विश्व कीर्तिमान कहा जाता है, प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली एक सुंदर पुस्तक है ये, और जिसमें विश्व कीर्तिमान जो रिकॉर्ड बनाते हैं उन सभी का नाम सम्मिलित होता है इसमें। लगभग मैं बता दूं इसमें 53,000 से 54,000 लगभग मतलब प्लस में है इसके नाम रिकॉर्ड के, जो जितने भी रिकॉर्ड हुए हैं आज तक के। तो सन 2000 तक इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड अमेरिका के अंदर बोला जाता था, पर लेकिन पूरे विश्व में इसको नाम जाना था, विख्यात है मतलब ये कुल मिलाकर के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया? मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ठीक है, मतलब दिसंबर की जो करंट अफेयर थी उसमें मैंने इसका MV गंगा विलास क्रूज का, या फिर इस जो आपके सामने ये पानी का जहाज दिखाई दे रहा है इसको लेकर मैंने काफी चर्चा की थी। तो ये गोरखपुर में, हर वाराणसी, बरेली, आगरा में, तो वाराणसी के अंतर्गत है, जिसको लॉन्च या शुभारंभ किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधान नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मतलब फ्राइडे को उत्तर प्रदेश के जो कि वाराणसी में दुनिया का सबसे लंबे लग्जरी क्रूज टू को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसे शहर के पर्यटन काफी बढ़ावा भी मिला है। लॉन्च को ऐतिहासिक क्षण कहते हुए पीएम मोदी ने वैदेशिक पर्यटकों को एक संदेश कहा कि भारत में वह सब कुछ है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर वही है, आकर्षित करना टूरिज्म को। ठीक है मेरे भाई, टूरिज्म, सॉरी, इसके लिए भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने शुरू किया है? बेंगलोर, मद्रास, मेरठ या कानपुर? तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाता है, IIT मद्रास के द्वारा इस सारंग को शुरू किया गया है। ठीक है मेरे भाई, जो IIT मद्रास एक व्यवसाय संस्थान है, ठीक है, जो कि 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको पहले जो है भुवंडी नेशनल पार्क से मतलब बोला जाता था, जिसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, संस्थान में लगभग 600 संकाय हैं और 10,000 छात्र हैं, 1,250 प्रशासनिक सहायक कर्मचारी इसके अंतर्गत है IIT मद्रास में। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये संस्था बहुत ही मजबूत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा राज्य सरकार हाल ही में अपनी स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर आयोजन कर रही है? देखो इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल बुक की बात हो रही है, तो जम्मू कश्मीर, जम्मू है, कश्मीर है, दिल्ली है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी लिख देता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती, तो मैंने इमेज भी दे रखी है आप सभी को पता होगा, मनोज सिसोदिया है, शिक्षक मंत्री है दिल्ली के, केंद्र शासित प्रदेश के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है, जो अपने स्कूलों के अंतर्गत वर्चुअल बुक फेयर आयोजन कर रही है। ठीक है मेरे भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है सभी चीजें। तो आज की क्लास में इतना ही था, और CTET का मैं प्रॉपर तरीके से आज क्लास करवाऊंगा, टॉप 60 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जो लगभग लगभग पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो इतना ही कहूंगा अपने भाइयों से, मेरी क्लास के अंतर्गत जो भी आपको कोई भी शिकायत है, किसी भी चीज पॉइंट को लेकर के आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं आपसे मेरे से आप बात कर सकते हो ऑन टेलीग्राम पर। ठीक है, तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।